नमस्कार दोस्तों, मैं आरोही मैदान स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो चलिए चलते हैं अपनी खबर की ओर। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 16 दिसंबर को देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक गेम 200 है, हम उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर पूरा करेंगे। आपको बता दें मौसम विभाग का अलर्ट, उत्तर भारत के कई हिस्सों में 16 दिसंबर को बारिश के आसार, पहाड़ों पर बर्फबारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार दोपहर को मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में 16 दिसंबर से हल्की बारिश होने की संभावना है। उधर हिमाचल प्रदेश में मौसम और बिगड़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शिमला में प्रदेश में 3 दिन बर्फबारी की संभावना जताई है। राज्य के उच्च पर्वतीय हिस्सों में 15 से 17 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी के आसार है। पिछले दिनों हिमाचल के मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले दिनों जमकर बर्फबारी हुई। इसी बीच उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। एक पश्चिमी विक्षोभ वर्तमान में पाकिस्तान और उससे लगे जम्मू कश्मीर के आसपास सक्रिय है। इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बन गया है। इस वजह से फिलहाल न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की उम्मीद कम है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 15 दिसंबर को एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने के आसार है। इसके आगे बढ़ने से 17 दिसंबर से ठंड बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में 17 दिसंबर की सुबह से 20 दिसंबर की दोपहर तक तेज निचले स्तर की उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। IMD के अनुसार केरल में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, हालांकि ये हल्की और कहीं कहीं मध्यम गति की होगी। लक्षद्वीप में भी आंशिक बादल और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। बुधवार को कर्नाटक में मौसम शुष्क रहेगा, कहीं अगर बूंदाबांदी हो जाए तो ये अलग बात है। दक्षिणी महाराष्ट्र और गोवा के आसमान में भी बादल छाए रहेंगे जो बारिश की वजह बन सकते हैं। रायलसीमा में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र के शेष हिस्सों में जिनमें पुणे से लेकर मुंबई तक के आसमान में साफ रहेगा। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव में मौसम शुष्क और तेज हवाएं या मिली जुली रहेंगी। गुजरात में पश्चिमी दिशाओं से हवा चलेंगी जिससे ठंडक का एहसास होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना, टीकमगढ़ और आसपास के इलाकों में उत्तरी हवाएं होंगी जिससे तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय और उप हिमालय भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की संभावना नहीं है, आसमान पूरी तरह से साफ है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक ठंडी हवाओं का प्रभाव लगातार रहेगा। इन हवाओं के कारण मौसम काफी ठंडा रहेगा, तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा। कुछ स्थानों पर तापमान रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं। मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत में तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि नए विक्षोभ आएगा कि इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में मौसम तेजी से बदलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।